जहाँ दोस्तों देख रहे हो कल लेंटर मेरा पड़ चुका था, बस पे हमने रद्दा लगा दिया किनारे किनारे के। पैरापेट की तैयारी करेंगे दोस्तों, और सबसे पहले हम बात करेंगे पानी भरने की बात, पानी भरने की तैयारी करेंगे। इसके साथ साथ क्यों ना हम पक्की ये पैरापेट जो पक्की करके लगा दें, जो हमें तोड़ना ना पड़े फिर जब वाल लगाएंगे ऊपर, तो इस हिसाब से हमने लगा दिया दोस्तों। ये दो तीन बार आज हमने तीन में पानी का छिड़काव किया हूँ, तीसरे बार अभी कर रहा हूँ। इसके ऊपर अब बिल्कुल बारीक से बारीक घोल लगा दूँगा, पतला थोड़ा सा गीला करके सूखे में अगर लगाता हूँ। पहले तो हमें सफाई के ढंग से सफाई से देख रहे हैं, सफाई हो रहा है पीछे पीछे तराई। इसके बाद में बिल्कुल बारीक घोल लगा देंगे दोस्तों, इसमें कहीं छेद छाप कहीं रह जाता है, ये इसके अंदर एयर रह जाता है तो उसमें घुस जाता है घोल। ऐसा बारीक मोटा लगाएंगे तो पपड़ी रहेगा दोस्तों, मोटा तो लगाने नहीं है। बाकी कल से इसमें हम पानी भर देंगे दोस्तों, एक दो जगह मेड़ सी बना देंगे, एक कॉलमों के बीच में छोड़ रखा हूँ दोस्तों, वहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे। कल सुबह हमने वो कर देंगे मिट्टी लगा के पानी भर देंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो चिपके भी ना, कॉलम डालने से पहले फिर हमें सफाई भी करना होगा। और वैसी मिट्टी ना जो चिपकने वाली मिट्टी हो, वैसी मिट्टी में डालेंगे यहाँ पर, या तो बालू डाल देंगे रेत। जी दोस्तों तो देख रहे होंगे ये परसों का लेंटर डला हुआ है, ये कल हमने एक रद्दा लगाया किनारे, दिन में तीन बार पानी का छिड़काव किया हल्का हल्का। आज से हमने ये पानी भरने का सिस्टम पूरा तैयार कर दिया, एक तरह से पूरा पानी भर दिया दोस्तों। कम से कम एक सप्ताह तक तो चाहिए चाहिए पानी।